किसी भी चीज़ का अगर प्रिपरेशन करते हैं आप तो मिस्टेक्स तो हम करते ही हैं, लेकिन वो मिस्टेक जो करने वाले थे वो पहले जान लो और उसके थोड़ा सा बचाव कर लो तो प्रिपरेशन तगड़ा हो सकता है, बड़ा ही अमेजिंग आपको आउटकम आ सकता है। ये सारे जो प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हैं वो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो मिस्टेक है, और उस प्लस मिस्टेक के साथ सोल्यूशन भी आपको दूंगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और एक अमेजिंग धांसू ऑफर चल रहा है कोर्स के साथ, मॉक टेस्ट फ्री, कंप्लीट कोर्स प्लस मॉक टेस्ट सिर्फ 399 रुपीज़ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल में बात करेंगे लास्ट में, ठीक है? यहाँ पर आ जाइए। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ना बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कंसेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, बट बिकॉज ऑफ प्रेशर, प्रेशर कहाँ से आता है? फैमिली से, रिश्तेदार से, दोस्तों से भी, कभी कभी पीयर प्रेशर होता है, वो जितना परफॉर्म कर सकते थे उतना परफॉर्म कर नहीं पाते हैं, वो अंडर परफॉर्म करते हैं। तो ये प्रेशर को कंट्रोल करने का सिंपल तरीका है, वो क्या है? आपके हाथ में जो है उस पर ध्यान दो, जो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, धरती रहेगी या फिर ख़त्म हो जाएगा हमारे हाथ में नहीं है भाई, वो चल रहा है, साइंस है, कुछ और है भाई, चलने दे। हमारे हाथ में जो हम करेंगे, हमारे हाथ में क्या है? अच्छे से खाना पीना खाना, पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, खुद को ठीक सही कर रखना, अभी वही हमारे हाथ में, या फिर आपके जो और कोई कंडीशन है वो ठीक रखना। जो आपके हाथ में है वो काम करिए, ना कि फालतू का टेंशन लीजिए। कई लोगों देखना, कई लोग होंगे क्या होगा उनके हाथ, करते करते कुछ नहीं है, फालतू का टेंशन लेते हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ये प्रेशर की वजह से क्या होता है, बहुत दिक्कत है। मेरा दो तीन स्टूडेंट थे, एक नहीं दो तीन, बिकॉज ऑफ प्रेशर उनको जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाए, काफ़ी शानदार स्टूडेंट्स थे। प्रेशर किस बात का? हे भाई क्या होगा, हे भाई क्या होगा, ये कर करके उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, अभी भी वही कर रहे हैं। बट सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो दे रहा हूँ ये सोल्यूशन आप अप्लाई करो, एकदम से नहीं होगा भाई, धीरे धीरे अप्लाई, माइंड को बनाना पड़ेगा वैसा, तभी बात बनेगा। और अगर इसको आपने हैंडल करना अभी नहीं सीखा भाई साहब, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम नहीं, नौकरी में प्रॉब्लम आएगा, फैमिली में प्रॉब्लम आएगा, जहाँ जाओगे वहाँ प्रॉब्लम आएगा। सो ऑलवेज फोकस जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में है उस पर फोकस, ऑलवेज फोकस ऑन, मैं जो आपको उल्टा बोल दिया, जो आपके हाथ में उस पर फोकस करिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। लास्ट मोमेंट, स्ट्रेस एंड फियर। तो जैसे जैसे आपका पेपर आएगा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। मेरे सारे दोस्त ऐसा होता है कंडीशन, मेरे सारे दोस्त का नौकरी लग गया, मेरा नहीं लगा, इस बार नहीं लगा तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा जी, ये हो गया लास्ट मोमेंट फियर और स्ट्रेस, जिसकी वजह से वंस अगेन जो करना, काम करना था उनको वो कर नहीं पाते हैं, उसकी वजह से क्या है, एग्ज़ाम ख़राब जाता है। तो अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ आपका क्या करेगा, जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रोकेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, फोकस कहाँ करना है मेरे दोस्त, जो आपके हाथ में है, जो आपके पास है, जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करना है। तो आप बात करेंगे सर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में क्या है उसकी बात करते हैं, आपके कंट्रोल में क्या है, रिवीजन। बहुत सारे बच्चों देखता हूँ पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन एक साइड से पढ़ते हैं एक साइड से भूलते हैं, फिर खत्म, कहानी खत्म हो जाता है, मतलब एक चैप्टर उन्हें खत्म करा और एक चैप्टर पढ़ाई करा ये भूल गया। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिवीजन। तो एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट दीजिए रिवीजन के। अब बोलेंगे सर रिवीजन का बेस्ट टाइम क्या है? कुछ ऐसा बेस्ट टाइम नहीं होता है भाई, सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, जब मर्जी तब करो, बट कोई नया कंसेप्ट सीखना है, कोई नया चीज़ सीखना है, उसका बेस्ट टाइम है सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर सो के उठने के बाद, बिकॉज उस टाइम आप काइंड ऑफ थोड़ा सा दर्द कम होता है, मतलब दर्द तो नहीं होता है बट दर्द जैसा होता है पढ़ते पढ़ते या कुछ काम करते करते थक सा आता है आपको लगता है, एनर्जी सुबह सुबह काफ़ी बढ़िया रहता है, फ्रूट्स खाओ बढ़िया एनर्जी मिलेगा, और ज़्यादा मोबाइल देखना बंद कर दो, ठीक है? आप यहाँ पर बोलोगे सर कितना टाइम आपको हमको देना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, भाई मोर देन 12 आवर्स टाइम देना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, 12 घंटा पढ़ाई करोगे तभी बात बनेगा, और 7 आवर्स आप सोना है आपको, बाकी कहीं जाना नहीं, फालतू टाइम पास नहीं करना है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, बहुत सारे बच्चे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं
ये सॉल्व नहीं करते, मॉक टेस्ट नहीं लेते। बहुत सारे बच्चे ये क्लियर करते हैं, मतलब ये दोनों करते हैं बट इसको नहीं लेते, और जो बच्चे तीनों करते हैं उनका भाई साहब रिजल्ट मच बेटर होता है। अब एग्ज़ाम क्रैक होना होना वो तो कंपटीशन पर है, बट ये तीनों जो करेगा वही आगे रहेगा। प्रॉपर तरीके से करना है, कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, और मैं आपका जो एमटी है मतलब क्या मॉक टेस्ट ये भी आप दे रहे हैं, टॉपिक वाइज भी फुल लेंथ भी दोनों हम देते हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जल्दबाजी में वो डिस्क्रिप्शन लिंक है जाके आप ले सकते हैं, मतलब एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या, ऐसा क्यों है, देखो बिना कंसेप्ट का सवाल आप लॉजिकली सॉल्व नहीं कर पाओगे, रट्टा माने कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा इसको मान लीजिए। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कंसेप्ट को समझोगे, मतलब क्वेश्चन में समझेंगे करना क्या है, एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। जो हमने वीडियो क्लासेस में करा रखा है, मैंने करवाया हुआ है, तीन सब्जेक्ट में कंसेप्ट चाहिए, बाकी में तो काइंड ऑफ याद और समझ के थोड़ा याद करना है, जो आपका जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल साइंस, कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद 78% सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, और मॉक टेस्ट दोगे आप तो लगभग 90% सवाल सॉल्व होगा। डेली यहां पर क्या करना है, कंसेप्ट को रिवीजन करते रहना है, मॉक टेस्ट डेली देना है आपको टॉपिक वाइज, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं 50 सवाल, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं क्या रीजनिंग मैथ्स और जनरल साइंस, इफ यू आर सॉल्विंग जीके देन 100 क्वेश्चंस एवरी डे। अगर ऐसा करते हो मेरे दोस्त, एग्ज़ाम क्रैक होना होने का चांसेस बहुत हाई है, जो बाकी से बताने वाला हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बस थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको फॉलो करना है, दैट विल हेल्प यू। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एक क्विक नोट्स, ये बेसिकली क्विक रिविज़न नोट्स है, मतलब क्या है आपको खुद का, आज पीडीएफ मत ढूंढना भाई, पीडीएफ से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते ऐसा कुछ पॉइंट्स आपको मिलेगा जहाँ से सवाल हर बार पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा है आपको पता लगेगा सवाल कहाँ से पूछे आते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर सवाल जो है आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्विक नोट्स बनता, मतलब रिविज़न नोट्स, इंपॉर्टेंट क्विक नोट्स बनता जाएगा, उसको तो मुँह जबानी खा जाओ, मतलब उसमें देखो एग्ज़ाम क्रैक ऐसे नहीं होगा, कन्फ्यूज़न बहुत होते हैं एग्ज़ाम में जाके, तो आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा, हर चीज़ आपके दिमाग में यहाँ पर होना चाहिए। उसके लिए डेली रिविज़न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, मॉक टेस्ट, फिर यहाँ पर आ जाएगा धीरे धीरे करके, मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आंसर क्या होगा दिमाग में होगा। टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो ये जो गेम है ना कंपटीशन एग्ज़ाम में, ये काफ़ी हद तक टाइम का गेम है, आप कितना टाइम पढ़ाई में देते हैं, तो इसलिए आपको बोला मैंने 12 आवर्स कम से कम डेली पढ़ाई करना है, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, क्विक जो रिवीजन है, कंसेप्ट है, एज वेल एज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बहुत अच्छे प्रिपरेशन के लिए। तो बेसिकली ये जो मिस्टेक्स बोला मेरे दोस्त मैंने आपको, ये मिस्टेक्स आप कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आप क्या नहीं करना है रिपीट मत करना। अब चलते हैं जो मैं आपको बताने वाला था कि हमारा जो कोर्स है एक के साथ एक फ्री आपको जो मिल रहा है उसमें क्या है क्या नहीं है, वैसे लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप खाली बोलोगे नहीं सर मेरे कोर्स नहीं चाहिए मॉक टेस्ट चाहिए उसका बताओ, उसका ही बता दूंगा, दैट ऑल्सो यू विल गेट। सो ये हमारा कभी कभी थोड़ा दिक्कत करता है बट दैट इज़ ओके, ये कम्प्लीट कोर्स है। आप देखिए यहाँ पर मैथ्स का, मेंटल एबिलिटी का, रीजनिंग का, जनरल साइंस का, जीके का पूरा कम्प्लीट कोर्स है, और इसमें ये कोर्स कंटेंट देखो रीजनिंग का, ये सारे वीडियो कोर्स है, रिकॉर्डेड है। जो फर्स्ट फ़ायदा मिलेगा कि आपको बता देता हूँ मैं, वो क्या है आपका, इसमें कोई टाइम पास नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ पढ़ाई होगा। तो प्रॉपर स्टडी करना चाहते हो अभी भी टाइम है, आप इसमें एनरोल करके एक एक वीडियो देखिए, सवाल सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और मौज मारिए। जनरल साइंस में बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, जाओ आपको अलग ही लेवल एहसास हो जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और जो मैं लिंक दिया उसमें दोनों चीज़ है, मॉक टेस्ट भी और कोर्स दोनों मिलेगा,
और एक के साथ एक फ्री है सिर्फ 399 रुपीज़ का। लेकिन कोई अगर चाहता है नहीं सर मुझे ना खाली मॉक टेस्ट चाहिए, तो यहाँ पर टॉप टेस्ट पर क्लिक करना, होम पेज नीचे थोड़ा सा ना मॉक टेस्ट, यहाँ पर 100+ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कोर्स कॉन्टेंट इसका मैं दिखा देता हूँ, इसमें पूरा ऑलमोस्ट कम्प्लीट कोर्स है। करंट अफेयर्स हम आपको दे रहे हैं जनवरी से 2023-24 नहीं, और जून तक दे चुके हैं, 2-3 महीना को और देंगे, इन जनरल जून जुलाई तक ही आएगा मेरे को लगता है, बाकी हम अगस्त सितंबर तक आपको दे देंगे फॉर बेटर प्रिपरेशन। इसमें पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज है, उसके बाद टॉपिक वाइज के बाद जो चैप्टर है उसका फुल लेंथ है, रीजनिंग का फुल लेंथ आप देख पा रहे हैं, एप्टीट्यूड का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ऐसे आपको मॉक टेस्ट मिलता है। 15 अक्टूबर के आसपास आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, इस मॉक टेस्ट के साथ 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश विद सोल्यूशन, प्रॉपर एनालिसिस दिखेगा, रैंक कितना आ रहा दिखेगा, सोल्यूशन मिलेगा, टाइम, नेगेटिव मार्किंग कहाँ कहाँ हुआ है, ये सब कुछ डिटेल आपको मिलेगा। तो ये आपको हेल्प करता है प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप काफ़ी अच्छा कर पाएँ एग्जाम में। इतने 10 वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।